दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के थाना तिमारपुर में ये एक ठक्ठक गैंग जो कि लोगों को ध्यान भटका के फिर उनको रॉब करते हैं, ये उनका जो वैल्यूबल्स इसको बस्ट किया है। हमारे पास 24 मई को एक व्यापारी आते हैं, सौरभ गुप्ता, वैशाली में रहते हैं। इन्होंने ये कंप्लेंट की कि ये वैशाली से भवाना की तरफ जा रहे थे तो रिंग रोड पे एक समय कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास किसी बाइक वाले ने इनको बोला कि इनकी गाड़ी का टायर में पंचर है, हवा कम है। इन्होंने चेक किया, थोड़ा आगे जाके इन्होंने इन्फ्लेटर से हवा भरी, फिर आगे पेट्रोल पंप पे जाके जो कि मजदूर का टिल्ला एरिया पड़ता है वहाँ पर इन्होंने हवा भराई। थोड़ा आगे जाते हैं तो इनको एक लड़का बोलता है कि इनके रेडिएटर से धुआं निकलता है। ये बाहर निकल के देखते हैं और फिर जब इनको लगता है कि ठीक है, दोबारा अंदर जाते हैं तो अंदर एसी ऑन करते फ्यूम्स आते हैं। बाहर आके दोबारा जब बोनट खोलते हैं तो इनका उसी दौरान पता लगता है कि गाड़ी में से इनके पैसे लूट के ले गए, कुछ 7,40,000 रुपये और साथ में एक लैपटॉप बैग, दो लड़के जो कि वही लड़के इनको लगा कि जो पहले जिन्होंने इनको बोला था कि इनका जो पंचर है ये पुलिस को इतला दी गई। हमने तुरंत मुकदमा दर्ज किया, हमने अपने जो मुखबर और साथ में जो साइंटिफिक जो हमारा सर्वेलेंस है उसके चलते दो लड़के जिनका एक का नाम पवन और एक का नाम सागर है, ये मदनकीन पे रहने वाले हैं। पवन की उम्र 24 साल है जिसके ऊपर पहले 9 केस हैं ठक्ठक गैंग के, और सागर जिनकी उम्र 19 साल है, ये दोनों अरेस्ट किए गए हैं। टोटल राशि 7,40,000 में से 7,00,000 रिकवर अभी हो चुके हैं, साथ में लैपटॉप का बैग और इनकी जो स्कूटी थी एंटॉर्क स्कूटी जो फुटेज में भी आई है ये हमने रिकवर कर ली है। आगे इनके दो और साथी हमें पता चला है, उनके ऊपर भी उनको पकड़ने की हमारी टीमें एट लार्ज हैं और इन्वेस्टिगेशन।